हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हुआ राम किशोर कुमार। आज हम जो है कॉमर्स के में अकाउंट पढ़ा रहे हैं। ऐसे कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है और इंग्लिश भी। तो यहाँ आज हम जो है अकाउंट में ऐसे बहुत सारे लेसन पढ़ा चुके हैं। आज जो है टुडे इज एडमिशन और पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, व्हाट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर? एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि नए साझेदार का नामांकन, एडमिशन होना नए साझेदार। जैसे कि कोई व्यवसाय पहले से चलता रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति पहले से वह व्यापार चला रहा है, दो चार पाँच दस मिलकर वह व्यापार चला रहा है पहले से, उसमें नए व्यक्ति के आगमन हो गया, यानी कि उस नए व्यक्ति के उसमें एडमिशन हो गया। आगमन यानी कि एडमिशन, नए व्यक्ति के उसमें एडमिशन हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि जो व्यवसाय पहले से चल रहा है उसमें नए व्यक्ति को आना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब है क्या कि नए व्यक्ति जब व्यापार में शामिल होते हैं तो इसमें वह क्या क्या साथ में लाते हैं? तो सबसे पहले वह पूंजी के रूप में पूंजी लाते हैं, गुडविल के रूप में गुडविल की रकम लाते हैं, ये सभी लाना पड़ता है। अच्छा, इससे क्या साझेदारी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो व्यापार का आकार जो है, इससे व्यापार का आकार बड़ा हो जाएगा। जब नए साझेदार का नामांकन होगा तो व्यापार का आकार बड़ा होगा, साझेदारों की संख्या में वृद्धि होगी, पूंजी में वृद्धि होगी, माने बहुत से जो है परिवर्तन होगा, उसके व्यवसाय करने की तौर तरीके में परिवर्तन आएगा, लाभ हानि बांटने में परिवर्तन होगा। अब जो नए साझेदार जो है शामिल होगा तो पुराने साझेदार अपना हिस्सा त्याग करेगा नए साझेदार को, नए साझेदार को जो हिस्सा मिलेगा वह कौन देगा? तो पुराने साझेदार जो है वह अपना हिस्सा त्याग करेगा वह नए साझेदार को। अब नए साझेदार के जो हिस्सा होगा, अब जो वह पुराने साझेदार हिस्सा देने के बाद जो हिस्सा बचेगा उसके बीच जो है नया रेशियो, न्यू रेशियो निकाला जाएगा। वह जो होगा न्यू रेशियो, वह अब से जो व्यापार चलेगा उस रेशियो में लाभ हानि को विभाजित किया जाएगा, और यह रेशियो ही वास्तव में बिजनेस के लिए माना जाएगा। पुराना जो भी है अनुपात था उसे कुछ नहीं लेना देना है, जो नया अनुपात होगा उसी अनुपात में लाभ हानि को विभाजित किया जाएगा। अब हम शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एडमिट सी टू गिव हिम 1/3 शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हेलो फ्रेंड, देखो यहाँ पर ए बी जो है वो लाभ हानि को 3:2 में विभाजित करते हैं और सी को 1/3 हिस्सा मिलता है, सी को 1/3 हिस्सा मिलता है। अब इसमें निकालना है कि नए जो है प्रॉफिट अनुपात क्या होगा, नए रेशियो क्या होगा। अब हेलो, यहाँ देखेंगे कि सी का जो नए पार्टनर, सी इज ए न्यू पार्टनर, ए इज ए ओल्ड पार्टनर,
बी इज ए ओल्ड पार्टनर, अब सी का जो है शेयर ऑफ सी जो है 1/3 है। अब पहले देखेंगे कि ए का ओल्ड शेयर ऑफ ए, ओल्ड शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए, ओल्ड शेयर ऑफ ए, ओल्ड शेयर ऑफ, ओल्ड शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू गिवेन, गिवेन 3/5, यानी शेयर ओल्ड शेयर ऑफ ए 3/5, गिवेन शेयर ऑफ ए एंड बी 3:2, तो शेयर ऑफ ए, ओल्ड शेयर ऑफ ए 3/5। नीचे क्या करते हैं कि जैसे कि दोनों के रेशियो को ऐड कर देते हैं, और जिसका शेयर जो है निकालना हो उसको यहाँ देखते हैं तो ए पहले है तो 3 पहले है तो हो गया ए का 3 और बी का 2 हुआ, और टोटल जो है सम जो होता है वो नीचे होता है। तो ओल्ड शेयर ऑफ ए 3/5, ओल्ड शेयर ऑफ बी, ओल्ड शेयर ऑफ बी 2/5, और न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, सी इज ए न्यू पार्टनर, तो न्यू शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3, न्यू शेयर ऑफ सी 1/3। अब न्यू शेयर ऑफ सी 1/3 रेस्ट शेयर, रेस्ट शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर गिवन रेशियो, तो रेस्ट शेयर इज 1-1/3 एलसीएम ऑफ 1 and 3 इक्वल टू 3, तो 3-1 इक्वल टू 2/3, तो रेस्ट शेयर इज 2/3। आफ्टर दैट न्यू शेयर ऑफ ए, After that, new share of A is equal to 3/5 into 2/3. 3 1 3, 3 1 3, 2/5. New share of B is equal to ओल्ड शेयर ऑफ बी 2/5 इंटू 2/3, अब 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। अब न्यू शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स A is to B is to C, तो शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ ए 2:5, न्यू शेयर ऑफ बी 4:15, न्यू शेयर ऑफ सी 1/3, एलसीएम ऑफ 5 3 15, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 3 5 15, तो यहाँ इसका एलसीएम होता है 15, इसको एलसीएम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 2 जा 6, सॉरी इसको एलसीएम 15 होगा, 2/5 into 15, 4/15 into 15, 1/3 into 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब आंसर हुआ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इज टू 4 इज टू 5, दैट इज आंसर। अब हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन मैं यदि आपको कोई तरह का समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज स्टार्टेड, एल एम एंड एन आर पार्टनर्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर 7:6:2 रेस्पेक्टली।
यहाँ रेस्पेक्टली है, जैसे नाम है वैसे उसका अनुपात है। जैसे नाम है एल, शुरू में तो एल का हिस्सा कितना है, 7 होगा। एम है तो एम का कितना होगा, 6 होगा। एन है तो एन के कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर दे एडमिटेड ओ, इसमें नया पार्टनर जो है वो है जो शामिल हो जाता है एज ए पार्टनर एंड गिव हिम 1/6 शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें ओ पार्टनर इज ए न्यू पार्टनर, इसमें ओ पार्टनर आता है जो कि न्यू पार्टनर है, उसका शेयर इसमें 1/6 है। 1/6 शेयर है न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज 1/6। अब पहले लिखेंगे ओल्ड शेयर ऑफ एल, ओल्ड शेयर क्वेश्चन नंबर टू ओल्ड शेयर ऑफ एल इज इक्वल टू 7। सभी को पहले सम करेंगे तो 7 + 6 = 13 + 2 = 15, 7/15। ओल्ड शेयर ऑफ एम इज इक्वल टू एम का है 6/15। ओल्ड शेयर ऑफ एन का शेयर है 2/15। न्यू शेयर न्यू पार्टनर ओ इज ए न्यू पार्टनर, ओ इज ए न्यू पार्टनर, ओ जो है एक नए पार्टनर है, साझेदार है। तो शेयर ऑफ ओ इज 1/6 गिवेन 1/6। अब रेस्ट शेयर निकालेंगे कि शेयर ऑफ ओ 1/6, तो रेस्ट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, रेस्ट शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/6। यहां हमेशा जो है जब भी न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता है तो हम हमेशा 1 से ही लेस करते हैं, और जो 1 से लेस करके आता है वह जो है शेयर ओल्ड पार्टनर का होता है, जो रेशियो दिया होता है उस रेशियो में ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं। अब लिखेंगे रेस्ट शेयर, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 6 होगा, 6 - 1 = 5/6, 5/6 हुआ, ये रेस्ट शेयर हुआ। अब लिखेंगे शेयर ऑफ न्यू शेयर ऑफ एल, न्यू शेयर ऑफ एल इज इक्वल टू 5/6 इंटू एल का जो ओल्ड रेशियो है 7/15। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। अब ये से 7 × 1 = 7 और 6 × 3 = 18। न्यू शेयर ऑफ एम इज इक्वल टू 5/6 इंटू ओल्ड रेशियो ऑफ एम 6/15, 6/15। तो 6/15, 5 से इसको डिस्ट्रीब्यूट, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 1/3। New share of N is equal to 5/6 into new share of N. The new share of N जो है वो 3/2/15,
तो फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, इजकल टू वन अपॉन थ्री, थ्री जा नाइन। अब निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। एल इज टू एम इज टू एन इज टू ओ। अब यहाँ पे देखेंगे एल का रेशियो जो है वह सेवन अपॉन एटीन इज टू एम का रेशियो है वन अपॉन थ्री इज टू एन का रेशियो है वन अपॉन नाइन इज टू ओ का रेशियो जो है गिवेन है वन अपॉन सिक्स। अभी सबका एलसीएम निकालेंगे तो सबका जो एलसीएम आएगा वह एलसीएम होगा एटीन। अब सेवन अपॉन एटीन इंटू एटीन वन अपॉन थ्री इंटू एटीन वन अपॉन नाइन इंटू एटीन वन अपॉन सिक्स इंटू एटीन। अब एटीन वन जा एटीन, एटीन वन जा एटीन, थ्री वन जा थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन, नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन। अब हुआ सेवन इधर सिक्स और इधर जो है टू इधर थ्री, सेवन इज टू सिक्स इज टू टू इज टू थ्री, डेट इज योर आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर टू के ये आंसर हुए सेवन इज टू सिक्स इज टू टू इज टू थ्री। ठीक है, आज हम इतना ही पर समाप्त कर